मैं आपको क्या आउटपुट वोल्टेज नहीं बता रहा है, आउटपुट वोल्टेज नहीं बता रहे थे जी जी, जिसके कारण आप क्या कर रहे हो, आप आईसी को पावर ये चार्जिंग आईसी को निकाल के जो इसमें लाइट भी आईसी इसी में इसको निकाल के चेंज करना होगा, आईसी को चेंज कर रहा जी। नोट 4 का ये चार्जिंग आईसी लगा रहा हूँ, जो चार्जिंग से इसी का फोन मानिए रेडी था, ये लगा रहा हूँ। ठीक है, लगाइए। आप ये रीडिंग देख सकते हैं, लगभग इनका ये चार्जिंग का मसला था, ये मसला चार्जिंग का इनका सोल हो गया। आपको वोल्टेज मिल गया जी, पूरा वोल्टेज मिल गया, वोल्टेज 4 वोल्ट मिले जी, 4 वोल्ट मिल गया। तो एक बार क्लेमिंग कर दो भाई इनके लिए। आज हमारी चार्जिंग की सेक्शन थी जी। अभी हमको इतना गर्व महसूस होता है अपने आप पे कि हमें बोर्नियों को देखने का जरूरत ही नहीं है, और हम आईसी को सही या गलत है वो हम आपको बता देंगे। वो भी ओनली वो थ्री स्टेप में गेम ओवर है। अगर आईसी से प्रॉब्लम, बड़ी बात बोल रहे हो, बड़ी बात है, बड़े बड़े लोग सुन रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले सुन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा अभी बोले तो 10 दिन का एक्सपीरियंस से हम बोलता हूँ कि 3 स्टेप में हम बता दूंगा कहाँ से फोल्ड जी। और आज हमारी चार्जिंग सेक्शन की क्लास थी जी, और उसमें हमने सॉकेट से लेके बैटरी कंट्रोल कहाँ कहाँ कितने वोल्टेज पहुँचते हैं सब सर ने इतना अच्छे से बताया, इतना सही तरीके से बताया है। अब तो हम चार्जिंग आईसी को बिना उठाए हम बता सकते हैं कि सही है कि ख़राब है। वेरी गुड, मतलब सारे फॉर्मेट में पढ़े हैं, सारे फॉर्मेट पढ़े हैं, बहुत सरल तरीके से बताया सर ने। हूँ आज चार्जिंग सेक्शन की क्लास थी, और सर ने इतना डीपली नॉलेज दिया कि मैं 3 जगह चेक करके बता दूंगा कि चार्जिंग फेंक चार्जिंग है, स्लो चार्जिंग है, कि क्या दिक्कत है उसमें। मेरा नाम अरुण है, मैं लखनऊ से हूँ। आज चार्जिंग की क्लास थी, चार्जिंग की क्लास में सर 3 स्टेप में इतना सिंपल व्यू में सर ने बता दिया कि एकदम आराम से हो जाएगी, और कोई भी साइड वापसी नहीं आएगा। और सबसे बढ़िया साइड जो OVP का आज तक कोई इलाज नहीं मिल पा रहा था सही से, वो उसका एकदम नॉर्मल, मतलब ये मान लीजिए कि सेकेंडों में OVP का काम लग जाएगा कि आराम से। लाइव बताइए, लाइव क्लास में कितने OVP बाईपास किए हैं आप लोग? सर लाइव क्लास में कम से कम नहीं तो 3 से 4 सेकंड में एक OVP हो गया था, मतलब 8 से 10 OVP हमने। पहली बात तो क्या होता है कि जी, आज हमारा चार्जिंग सेक्शन की क्लास थी जी, और सर ने 3 सेटअप बताया है जिसमें हाँ। तो कोई भी चार्जिंग का प्रॉब्लम आता है 3 सेटअप में वो चार्जिंग का सॉल्व कर देंगे हम। तो सौरभ ये बताओ मेरे को कि देखो 3 सेटअप बताने में इंसान की कितने साल की मेहनत होगी? बहुत साल की मेहनत है, बहुत साल की मेहनत होगी ना। सुबह सर देव सर ने चार्जिंग सेक्शन पढ़ाया था तो उसमें सर बहुत कुछ सर सीखने को मिला है सर जी, बहुत ही अच्छा लगा था। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर। इसमें यही प्रॉब्लम है कि चार्जिंग का इश्यू है, जो चार्जिंग ऑन चार्जिंग से चार्ज। मतलब आपने कैसे डिसाइड करा कि इसमें आपको क्या आउटपुट वोल्टेज नहीं बता रहा है? आउटपुट वोल्टेज नहीं बता रहे थे जी जी, जिसके कारण आप क्या कर रहे हो, आप आईसी को पावर ये चार्जिंग आईसी को निकाल के जो इसमें लाइट भी आईसी इसी में इसको निकाल के चेंज करना होगा, आईसी को चेंज कर रहा जी।
ये रीडिंग देख सकते हैं, लगभग इनका ये चार्जिंग का मसला था, ये मसला चार्जिंग का इनका सोल्व हो गया। आपको वोल्टेज मिल गए? जी पूरा वोल्टेज मिल गया। वोल्टेज को 4 वोल्ट मिले? जी 4 वोल्ट मिल गया। तो एक बार क्लेमिंग कर दो भाई इनके लिए। जी सर, मेरा नाम ध्रुव है, सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से ध्रुव है सर, मतलब ध्रुव किस चीज़ की क्लास की आज हमारे? आज सर चार्जिंग की। चार्जिंग की क्लास किस तरीके से बताया सर ने? सर बहुत डीप तरीके से समझाएं सर, और एक पिन का जो आईसी डीसी है उसका एक एक पिन। मैं बात करूँ चार्जिंग कनेक्टर से जहाँ चार्जिंग का एंड होता है। हाँ सर, वहाँ तक का आपको पता है? जी सर। एक एक चीज पता है? जी सर। वोल्टेज, जीआर और फ्रीक्वेंसी सब कुछ सर। चार्जिंग की क्लास से हम सारा चीज बताया गया दियो सर। कोई सा अरुण ऐसा कोई सा सीपीयू छूटा है कि जो सीपीयू हो और हमने बताया नहीं हो, या उस टाइप की कोई सी आईसी हो? सारा चीज बताया गया A to Z और चार्जिंग के बारे में। और पता नहीं हो? नहीं सब पता है सर, सब बताया है और ट्रिक भी अच्छी अच्छी बताई है। और अलग अगर बात करूँ तो आपकी क्लास का कैसी रही आपकी क्लास? तो बहुत अच्छा रहा सर। चलिए ठीक है। इसमें जीरो लेवल से हाई लेवल तक अपने को बताया गया, जैसे कि अपना क्या बोलते हैं चार्जिंग आईसी आता है जी, उसके पास हम ऐसे पिन कैपेसिटर जो लगे हुए कंपोनेंट, देखो ये उसको चेक करके सर का नॉलेज था, उनका एक्सपीरियंस था, वो आपको निचोड़ के दिया कि आपको वाकई में आपको कहाँ दिक्कत, कहाँ चेक करना है और कहाँ से आपका काम सॉल्व हो जाएगा, ये अनुभव बताया आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन में बताएं। आज चार्जिंग सेक्शन की क्लास थी और सर ने इतना डीपली नॉलेज दिया कि मैं 3 जगह चेक करके बता दूंगा कि चार्जिंग फेंक चार्जिंग है, स्लो चार्जिंग है, कि क्या दिक्कत है उसमें। दुनिया का कोई भी सर्किट आपके सामने में अगर मैं चार्जिंग का रख दूं, जी सर, है ना, जी सर, तो आप देख के बता सकते हैं कौन सी चार्जिंग आईसी है, कहाँ से इन हो रहा है, कहाँ से आउट हो रहा है, कहाँ से कूलिंग हो रही है। सिर्फ 60 सेकंड सर। वेरी गुड। बोला है मैं सर जी, आज का सर का चार्जिंग का सेक्शन था सर, सर ने इतना इसी तरह से बताया क्या बोलो, बहुत ईजी हो गया। जो टाइप सी का सेक्शन है और जो 5 पिन का सेक्शन है चार्जिंग का, इसी तरह से बताया, 3 स्टेप से खत्म। 3 स्टेप में आपको चार्जिंग का आईसी को आप चेक भी कर लोगे, डिफाइन भी कर लोगे, डायग्नोज भी कर लोगे, चेंज करके अपना सर्किट भी बना लोगे। हाँ सर, जीत लो दिए सर। आज हमारा चार्जिंग का सेक्शन था सर, ने सर इतने डीपली से बताया कि कहाँ कितना वोल्टेज मिलता है। सर कोई भी फोन में चार्जिंग सिस्टम स्टेप हो, 3 स्टेप से पूरा कम्प्लीट हो जाएगा। आज हमको मतलब ये प्रैक्टिकल थ्योरी सब पता आज क्लास में पूरा हो गया कि 3 स्टेप में ही चार्जिंग का मसला पूरा डन। मनोज, अगर मैं तुम्हारा वीडियो, अगर यहाँ पर जो जनता आपको देख रही है अभी लाइव है, लाइव वीडियो को देख रही है, अगर तुम्हारा वीडियो देखना चाहे, आज आपने लाइव चार्जिंग सर्किट बनाया था आपने, है ना, आपको वोल्टेज नहीं मिला था उसके लिए आपने आईसी उठाया, आईसी चेंज किया, चेंज करके ऑफिस लगाया और लाइव करा, तो इस लेवल का कॉन्फिडेंस इतने कम दिनों में कैसे संभव है भाई? एशिया टेलीकॉम आओ, सब संभव है। चार्जिंग सेक्शन की क्लास थी, उसमें सर ने बताया वोल्ट कहाँ से आता है और कैसे सही करता है, डी प्लस डी माइनस की सप्लाई कहाँ से आती है और किधर जाती है, और एक चार्जिंग आईसी पहले OVP आईसी लगी होती है, उसको बाईपास कैसे करते हैं, हम 2 सेकंड में उसको बाईपास करते हैं। तो आपको चार्जिंग का इनपुट आउटपुट प्रोटोकॉल है ना सारा का सारा मालूम पड़ा कि नहीं पड़ा? जी पूरा पड़ा। और आप आउटपुट से बैटरी कनेक्टेड तक, चार्जिंग आईसी के आउटपुट से बैटरी कनेक्टेड किन कंपोनेंट से होकर गुजरेगा, कौन कौन सी पिन उसके लिए जिम्मेदार है, तो आपको ये सारा चीज़ आपने प्रैक्टिकल क्लास में किया कि नहीं किया? जी सर। आपने उसकी ड्रॉइंग शीट बनाई कि नहीं बनाई? और OVP आईसी तो पास करना सीखे, एक पर 2 OVP आईसी है ये भी हमने आज सीखा। मेरा नाम तौसीफ भी महाराष्ट्र से हुआ सर जी। आज सवेरे देव सर के साथ चार्जिंग क्लास थी जी, तो इतना बढ़िया तरीके से सिखाया सर, कोई भी प्रॉब्लम अगर होगा तो 5 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, ऑटो चार्जिंग, फ्लेक चार्जिंग। सर मेरा नाम देव प्रसाद है, आज तो हमारा पहला चार्जिंग का सेक्शन था जो कि बहुत अच्छी तरह समझ आए। पहले तो हम ये देखते थे चार्जिंग के लिए आया तो देखते थे ट्रैक है या नहीं, फिर बनाते हुआ तो हुआ वरना छोड़ देते थे, अभी सर उसको पूरी तरह से बनाएंगे, फेक चार्ज हुआ कि चार्ज नहीं हुआ पूरी तरह के बना के दे सकते हैं, अभी सर इतना कॉन्फिडेंस है कि ट्रैक से आज इतना दूँ। आज पहली बार हम देव सर से लाइव चार्जिंग का क्लास था और डीपली उन्होंने इतनी बारीकी से बता दिया था, एक बस 10 मिनट में चार्जिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और ऐसा बताया कि एक एक सेट में आता है 2 OVP जो अभी आप, हाँ ठीक है, अभी आप प्रैक्टिकल सर,
प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल क्लास में हमने कितने बोर्डों पर टेस्ट करा चार्जिंग का? कि 10 से 20 बोर्डों पर चेक किया। देखा ना हमको कोई सा ऐसा सर्किट जहाँ पे हमको जो हमने पढ़ाया था वो आपको मिला ना हो? सर मिला, हर चीज में मिला ना सर। हमने छोटे से छोटे जो जियो का सेट होता है उससे लेके जो हाई लेवल का मोबाइल होता है वहाँ तक के सेट देखे, सब में मिला ना आपको? सर सब में मिला जी। आज हमारे चार्जिंग का क्लास था जी। हम खाली अभी चार्जिंग सॉकेट बदलने का काम करते थे जी। हमें कुछ पता नहीं था। एक बार दो मोबाइल आए थे मेरे पास जो फेक चार्जिंग के थे जी। तो वो काम हमसे बन नहीं पाया था जी। तो उसका क्या लाइन होता है, किधर से उसको कैसे करते हैं, आज इतने डीप में हमने सीख लिया। अभी कौन सा भी मोबाइल आए तो हम 5 मिनट में कर देंगे। तो अभी आपको तो बिल्कुल एकदम गुस्सा आ रहा होगा कि जरा जरा सी चीज थी इसके वजह से छोड़ रहा था जी, है ना। तो अभी कितने सेट बनने वाले चार्जिंग के जाने के बाद? अभी जितने भी आने जी सब बन के जाएंगे, सब सब बन के। मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सिको निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं?